बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को धनिए छुड़ायो खिन, लाक तली लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पल ना वालू निरखुने त्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी प्राण धन प्राण प्रियतम के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, धनी नजर खोलो बातून, धनी अब मेरी वो बातूनी नजर, मेरी अंतर दृष्टि आप खोल दीजिए, ताकि मैं आपके अंगों को, आपके श्रृंगार को, परम धाम के एक एक पक्ष, एक एक शोभा को अपने नजरों में बसा सकूं। श्री रास टीका श्री राजन स्वामी जी। कहे श्री इंद्रावती साथ एणी वातो जेटली, ना कहवाए कोटमो भाग मारे अंग एटली। श्री रास प्रकरण 44 चौपाई 7। सुंदर साथ जी, कहीं कहीं प्रकरण और चौपाई की संख्या मैंने पिछली सारी चौपाइयां चेक की, थोड़ी थोड़ी कहीं पे गलती हुई है फोटो बनाने में, पर जब आपको पीडीएफ प्रदान की जाएगी तो उन सब में सुधार कर दिया गया है, गलती के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे साथ जी, प्रियतम के प्रेम और आनंद की जो भी बातें मेरे हृदय में बसी हुई हैं, उसके करोड़वें भाग का भी वर्णन हो पाना संभव नहीं है, ना कहवाए कोटमो भाग। सुंदर साहब जी, इतना वर्णन श्री मुखवाणी में कर दिया, अभी भी वो करोड़वां अंश भी नहीं है, तो सोचिए कितना कितना आनंद हमने श्री रास में लिया होगा। सुंदर साहब जी, अति सुंदर, तो उसको हम अपने हृदय में बसाएंगे उस आनंद को। तो सुंदर साहब जी, अब मुझे ये बताएंगे कि कल श्री इंद्रावती और श्री केसरबाई के बीच में कितनी प्रेम भरी जो नोक झोंक हुई थी, अति प्यारी। तो सुंदर साहब जी ये बताएंगे कि इंद्रावती जी ने ऐसा क्या किया था कि केसरबाई को उनके पास जाना पड़ा। हाँ जी, बहुत ही प्रेम भरा संवाद, विवाद नहीं कहेंगे उसको, प्रेम भरा संवाद जो हुआ, ऐसा क्या किया था इंद्रावती सखी ने कि श्री केसरबाई जी को उनके पास जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ी। हाँ जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, सुंदर साथ जी प्रणाम जी। केसरबाई ने कहा कि मैंने तो धनी का वरण कर लिया है, देखते हैं कौन मेरा हाथ छुड़ाता है इसे। अरे वाह, बिल्कुल यही उन्होंने बोला कि मैंने तो धनी का वरण कर लिया है, वरण क्या, अपहरण ही कर लिया है, तो अब कोई मुझसे उनका हाथ नहीं छुड़ा सकता। तुम चाहो तो उनका हाथ पकड़ सकती हो, पर उनको ले जा नहीं सकती मुझसे दूर। अति सुंदर, अति सुंदर सुनीता दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, अब सुंदर साथ जी बताएंगे कि अब ऐसा क्या हुआ आगे, केसरबाई जी ने उनको क्या उत्तर दिया। सुंदर साहब जी, जब
इंद्रावती जी ने ऐसा कहा तो कैसे ये बात बढ़ी आगे, क्या हुआ? हाँ जी विजय आंटी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। उनको ये विजय आंटी आपकी आवाज ना काफी कट रही है, समझ में नहीं आ रही। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, बबीता दीदी से पूछते हैं अभी, आप एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिए। प्रणाम जी। जब इंद्रावती राज्य के साथ काफी टाइम हो जाता है तो फिर केसर भाई कहते हैं भी आपको तो इतनी देर होगी रामते करते, तो अब भी मैं भी राज्य के साथ मैं आनंद लेना चाहती हूँ। इसी बात पर उनकी ये बात हुई भी आपको तो बहुत टाइम हो गया। हाँ जी अति सुंदर, आपने इतना समय धनी के साथ बिता लिया, अब हमें भी हमारे धनी चाहिए, हम सब भी उनके साथ आनंद लें। अति सुंदर बबीता दीदी, प्रणाम जी। अब इसका परिणाम क्या निकला सुंदर साथ जी, ये सब जो बात हुई उसका परिणाम सुंदर साथ जी बताएंगे कि क्या निकला, धनी जी को ऐसा क्या करना पड़ा सुंदर साथ जी। हाँ जी रूबी वर्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इसके बाद में धनी जी ने जो है 12,000 स्वरूप और अपने बना लिए और सभी सखियों के साथ अलग अलग करके वनों में लीला करी, तो सभी को ऐसा लग रहा था कि धनी मेरे साथ है और सिर्फ मेरे ही पास है, जबकि राजी सबके साथ थे। अरे वाह, ये तो मैंने आगे पूछना था, क्या वो सबके पास थे? आपने तो पहले ही अति सुंदर उसका वर्णन कर दिया कि इंद्रावती जी को पता ही नहीं कि केसर भाई के पास भी है, केसर भाई जी को पता ही नहीं कि इंद्रावती सखी जी के पास भी है, तो कितनी आनंदमयी ये लीला होगी। अति सुंदर रूबी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साहब जी, केवल एक प्रश्न और उसके बाद हम आगे चलेंगे। आप मुझे ये बताइए कि क्या 12,000 रूप पहली बार धारण किए थे ये राजी ने इंद्रावती जी और केसर भाई के प्रेम भरे संवाद के बाद, क्या ये पहली बार धारण किए थे राजी ने या पहले भी कर चुके थे? हाँ जी श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। पहले आ चुका है ना, इससे पहले की संगली संगे रमिया रंगे एक प्यू एक नारी, लेकिन इससे पहले की जो है वो ऐसे ही 12,000 स्वरूप धारण करके जो है सब ब्रह्मात्माओं के साथ में आनंद की लीला की है। और ये महा ये जो अभी आप बता रहे थे ना महाराज का कारण जो है वो ये उन्हीं को ही बनाया, ललिता जी को और जो है इंद्रावती जी को जो है दोनों सखी का जो संवाद होता है प्रेम संवाद होता है, तो यहीं से ही उसका कारण बनता है महाराज का। जब जो जो यहाँ पर आकर के फिर 12,000 स्वरूप धारण करके फिर संपूर्ण सभी सखियों को पूर्ण आनंद दिया भजनानंद के द्वारा, यहीं से लीला शुरू होती है। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अति सुंदर रास से, पूरी रास से ही रोल हमारे तय होने शुरू हो गए थे सुंदर साथ जी। हाँ जी गीता दीदी, गीता दीदी ने भी हैंड रेस किया था, आप जरूर बताइए एक बार कि इससे क्या ये पहली बार धारण किए थे राजी ने? बिल्कुल सही श्रीनिवास अंकल। हाँ जी गीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, मुझे तो लगता है रास ब्रज में भी किए उसके बाद महाराष्ट्र में भी किए, ऐसे ही एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण हुए थे। हाँ जी सबके साथ लीला की जी, एक्चुअली ब्रह्मानंद ने भी किए और भजनानंद ने भी किए। अति सुंदर अति सुंदर। हाँ जी एक बात अति सुंदर, गीता दीदी हैंड जरूर रेज किया करें, बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ जी तो मैं एक बात और पूछना चाहूंगी सुंदर साथ जी, क्या भजनानंद जो इतना प्यारा स्वरूप है उन्होंने पहली बार धारण किए ना अभी? ब्रह्मानंद ने तो बहुत बार किए, भजनानंद ने कब किए? श्री मुखवाणी में जो आया है। हाँ जी डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, वो स्वरूप तो उन्होंने जो ब्रह्मानंद था कहा वही ब्रह्मानंद का था, बस देखने का अंतर आ गया उसके बाद में वीरा के बाद और लगने। हाँ जी बिल्कुल सही, तो ब्रह्मानंद ने तो बहुत बार धारण किए पर भजनानंद का जो स्वरूप आया, जो मतलब
अंतर ध्यान के बाद जो स्वरूप आए उन्होंने ये पहली बार धारण किया, क्योंकि आते ही उनको इंद्रावती जी ने घेर लिया था, उसके बाद उन्होंने किसी के पास जाने ही नहीं दिया था क्योंकि, तो इसलिए भजनानंद ने पहली बार ये धारण किए इंद्रावती जी और केसर बाई के प्रेम भरे संवाद के बाद, है ना। कितनी प्यारी बात है, अति सुंदर। हाँ जी प्रणाम जी, सुंदर साथ जी प्रणाम जी, दीपी सिंह जी प्रणाम जी। हाँ जी आइए सुंदर साथ जी, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या क्या हुआ, एक 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 पियू एक नारी इसमें भी होकर मिले, अब आगे क्या हुआ सुंदर साथ जी आइए देखते हैं। बहुत जल्दी हम अखंडता की ओर बढ़ने वाले हैं कि ब्रिज और रास कहाँ पर अखंड हुई, तो आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। इसके बाद कौन सी रामत ऐसी राज्जी ने करी, ये देखिए अत्यंत, इसके बाद का जो आनंद लिखा हुआ है ना सुंदर साथ जी, उसको शब्दों में बोला भी नहीं जा सकता जो उन्होंने लिखा है। तो सोचिए लिखा कैसे होगा, इसके बाद की जो रामते है ना, श्री रास ग्रंथ खोल कर जरूर आप उनको पढ़िएगा, क्योंकि मैं पूरा पूरा नहीं पढ़ती हूँ, मैं बीच बीच में से कुछ 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 स्वाद चखना होता है ना वो पढ़ती हूँ। तो श्री रास ग्रंथ सभी सुंदर साथ जरूर पढ़ेंगे, और अब जो रामते आने वाली हैं, जो एक एक पियू एक एक नारी होने के बाद भजनानंद ने जब ये किया, तो उनको आप स्वयं पढ़िएगा पूरा, क्योंकि मैं बहुत कुछ अंश उनका बताऊंगी आपको। हाँ जी, तो अत्यधिक मोहक स्वरूप वाले श्री राज जी ने इंद्रावती जी के साथ बहुत ही आनंददायक रामत की, अति सुंदर रामते यहाँ पर हो रही हैं। सो रस ब्रज की सुंदरी पायो सुगम, सो सहजे घर आईया जो कहे वेद अगम। ये चौपाई मैंने बना भी रखी है, ये मैं आपको दिखाऊंगी भी बाद में। रामत करते हुए श्री इंद्रावती जी में प्रेम बढ़ाते हुए प्रियतम बहुत आनंद लेते हैं। इंद्रावती जी कहती हैं, शब्दों को देखिएगा सुंदर साथ जी, मेरे सर्व समर्थ प्राण वल्लभ, मेरे अंदर ये अपार चाहना थी कि आप मेरे साथ इतनी सुंदर लीला करें, इस लीला में तो अंग अंग पर सुशोभित आभूषण भी आनंद में थिरकने लगे हैं। सोचिए कैसी वो लीला, कितनी प्यारी होगी, मेरे जीवन के आधार, मेरे प्राण प्रियतम, आपके साथ लीला करने में पाछी पाछी रामत कोई ना रही, कोई भी सखी पीछे नहीं रही, आपने हम सब की प्रेम भरी चाहना को पूर्ण कर दिया है। सम सम दऊं श्याम श्याम, मेरे सर्व समर्थ प्राण वल्लभ, मैं आपको सौगंध देकर कहती हूँ कि आप मुझे प्रेम का इतना उपहार मत दीजिए, क्योंकि आपके प्रेम रूपी सागर में डूब जाने के बाद मेरे अंदर बोलने की सामर्थ्य भी नहीं रही है, आपने प्रेम की मेरी संपूर्ण इच्छा को पूर्ण कर दिया है। इंद्रावती जी बार बार कहती हैं, दई दई सम सम थाकी थाकी, मैं आपको सौगंध दे दे कर थक गई हूं, तो भी आप मुझे प्रेम सागर में डुबोते ही जा रहे हैं, मेरी प्रेम की चाहत अब पूर्ण हो चुकी है, प्रेम को ना संभाल पाने की मेरी व्यथा को आप नजरअंदाज कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे मेरे प्रियतम। मन मन मनोरथ पूर्या पूर्या वाला वाला, मेरे मन के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए वाला जी, मैं बारंबार आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैं कैसे कहूँ कि मेरे हृदय की सांसें भी रुकने लगी हैं, शब्दातीत प्रेम और आनंद की व्यथा को व्यक्त करने में मैं सर्वदा असमर्थ हूँ, इस आनंद को व्यथा नहीं सुंदर साथ जी, आनंद को व्यक्त करने में सर्वदा असमर्थ हूँ, मुझसे अब ये संभाला नहीं जा रहा, मेरे धाम धनी कर कर जोड़ी जोड़ी कहूं कहूं वाला वाला, दो दो बार लिखा है, मेरे धाम धनी मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर यही मांगती हूँ कि मैं आपके नेत्र से नेत्र मिलाकर इसी तरह बातें करती रहूं,
मेरे प्राण धन, आपने हमारी इच्छा के अनुकूल अलौकिक प्रेम के आनंद में डुबोया। समस्त सखियों सहित मुझ इंद्रावती को अपना अखंड आनंद प्रदान किया, अखंड आनंद प्रदान किया। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, सखी सखी, जैसे एक पियू एक नारी, सखी सखी प्रते श्याम वाले जिए देह धरिया। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, प्रियतम ने एक एक सखी के लिए अलग अलग तन धारण कर लिया। कितनी रामतों में सुंदर साथ जी, इस प्रकार हमने अपने प्राणेश्वर के साथ बहुत आनंदमयी लीला की। मेरे मन में जो प्रेम की चाहना थी वो पूर्ण हुई। मैं अपने प्रियतम से मिलकर इस प्रकार आनंद में डूब गई कि उसमें किसी प्रकार की भी कोई कमी ना रही। हमने जैसा कहा प्रियतम ने वैसा खेल खिलाया। हमारे हृदय में जिस प्रकार की इच्छा थी धाम धनी ने उसे पूर्ण किया। तो सुंदर सात जी, इच्छा करते हुए बहुत ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार की इच्छा होगी धाम धनी उसको पूर्ण करेंगे। माया की इच्छाएं त्याग दें और केवल धाम धनी से धाम धनी को मांगना शुरू कर दें, कैसे पूरी नहीं करेंगे। इस समय सभी सखियों को जो सुख प्राप्त हुआ उसको या तो मात्र राजी जानते हैं या फिर हमारी आत्मा जानती है। सुंदर साथ जी, हमारी आत्मा जानती है पर उसको क्यों याद नहीं आते वो रास में जो हमने उनके साथ सुख लिए थे। जैसे जैसे चितवन में बैठेंगे जरूर उन सुखों को भी हमारे मन में वो भी चलेंगे, हमें याद आएंगे और मूल मिलावा श्री राज जी की स्मृति और प्रगाढ़ होती जाएगी और एक दिन सामने आ जाएंगे धनी जी प्रत्यक्ष रूप में। जिसके मन में प्रेम लीला करने का जितना अधिक उत्साह था प्राणेश्वर ने उसके साथ उसी के अनुसार लीला करके सुख दिया, जिसकी कोई सीमा नहीं है। नित्य वृंदावन में रामते करके सुंदर साथ जी हम यमुना के किनारे आए। प्रियतम ने हमें इस वन में अच्छी तरह से खिलाकर अपार सुख दिया। इंद्रावती जी कहती हैं, हे साथ जी, प्रियतम के प्रेम और आनंद की जो भी बातें मेरे हृदय में बसी हुई हैं, जो हमने अभी पढ़ा था सुंदर साथ जी, उसके करोड़वें भाग का भी वर्णन हो पाना संभव नहीं है। यमुना जी के अंदर होने वाली जल क्रीड़ा का अति सुंदर वर्णन किया गया झीलना में। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे सखियों, यमुना जी में जल क्रीड़ा करने का आनंद बहुत मनोरम है। अब हम प्रियतम के साथ जल क्रीड़ा करेंगे। रास की लीला पूर्ण हो चुकी है, इसलिए हम सभी जल में रामते करने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। राज जी क्या कहते हैं, हे श्यामा जी, मेरी बात सुनो। तुम्हारे और सभी सखियों के मन में जो भी इच्छाएं थी वो सभी तो पूर्ण हो गई हैं, पर अभी भी एक इच्छा शेष है जिसे पूर्ण करने के लिए ये आवश्यक है कि हम जल क्रीड़ा करें। इस प्रकार मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर सकता हूं। मनोहर लताओं, सुगंधित फूलों से सुसज्जित इस वृंदावन के वृक्षों की डालियां हवा के झोंकों से झूम रही हैं। इस वन में अनेक रसों, मीठे खट्टे कड़वे आदि के फल दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इस प्रकार इस भूमिका की शोभा विलक्षण है। बार बार वृंदावन की शोभा का वर्णन करते हैं। यमुना जी का जल अति उज्ज्वल, अत्यधिक उत्साह में उछल रहा है कि सारी आत्माएं मेरी तरफ आने वाली हैं। अब धनी जी के साथ तरंगों के रूप में लहरों पर लहर आती हुई दिखाई दे रही है। जल उछले उछरंग मां, इसकी किनार पर पशु पक्षियों के मधुर स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। इस अनुपम शोभा को देखकर सबके अंग अंग में उमंग भर गई है। हम सभी सखियों के अंदर जल क्रीड़ा करने के लिए आनंद ही आनंद छाया हुआ है।
सभी एकत्रित होकर यमुना जी के किनारे आई और हमने प्रेम पूर्वक प्रियतम को पकड़ लिया। सुंदर साथ जी जल क्रीड़ा के माफिक जल क्रीड़ा वाले वस्त्र भी पहने गए। श्री राज श्यामा जी के साथ सखियों ने यमुना जी के मनोरम किनारे को देखते हुए जल में प्रवेश किया। सभी अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग वर्गों में बंट गए। जल क्रीड़ा करने के लिए एक ओर सखियां और श्यामा जी और दूसरी ओर प्रियतम प्राणनाथ। श्री इंद्रावती जी सब सखियों को संबोधित करती हुई कहती हैं, अब हमें अत्यधिक आनंद लेना है। सब सखियां उत्साह में भरकर प्रियतम के ऊपर जल उछालती हैं। राजी इस प्रकार उछालते हैं, इतनी शक्ति से उछालते हैं कि सभी सखियां भागकर किनारे पर आ जाती हैं। सखियां पुनः सामने आकर जोर से उछालती हैं मिलकर, तो धाम धनी अति जोर से जल उछालते हैं। सखियां टोली टोली में होकर भागती हैं, उमंग में भरकर पुनः आती हैं। प्रियतम अक्षरातीत को चारों ओर से घेर लेती हैं। उछाले हुए जल की अधिकता के कारण सबकी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। सुंदर साथ जी ऐसी क्रीड़ाएं जिन्होंने पहली बार सुनी हो तो वो ये ना सोचें कि अक्षरातीत ये कैसी क्रीड़ा कर रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर जल उछालने की क्रीड़ा या तो बच्चे किया करते हैं या फिर संपन्न वर्ग के लोग किया करते थे। इसको ब्रह्मलीला कैसे कहा जा सकता है? यदि ये शंका आती है तो काल माया के ब्रह्मांड की पूरी क्रीड़ाएं सुंदर साथ जी सत्व रज और तम के धरातल पर होती हैं। छोटी आयु या किशोरावस्था में जब जल में क्रीड़ा करते हैं तो सत्व और रज का प्रभाव होता है, तो बालपन का निश्चल स्नेह भरा हुआ है इस प्रकार की क्रीड़ा में। पूर्व काल में राजघराने से जुड़े हुए लोग करते थे तो उनमें विकार की भावना होती थी, पर योग माया के ब्रह्मांड में होने वाली जल क्रीड़ा विशुद्ध प्रेम पर आधारित है। योग माया त्रिगुणातीत है, शब्दातीत है, इसलिए अक्षरातीत का हृदय प्रेम की माधुर्यता का अनंत सागर है। सुंदर साथ जी लीला रूप में सखियां उनके अंगी तो हैं, एक उंगली दूसरी उंगली, एक हाथ दूसरे हाथ को यदि छूता है तो कोई काम विकार नहीं होता। लीला रूप में अपनी अभिन्न स्वरूपा सखियों के साथ आंखों वाणी इंद्रिय के माध्यम से यहाँ प्रकटीकरण हो रहा है। राजी के बोलने प्रेम भरी दृष्टि से देखने अथवा सखियों पर प्रेम उड़ेलने की लीला को सांसारिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अक्षरातीत के हृदय का प्रेम रस प्रवाहित होता है, उसे ही ब्रह्म लीला कहते हैं सुंदर साथ जी। पर यदि कोई मनुष्य ये कार्य करे तो वो विकार की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि ये काल माया है। ब्रज लीला में श्री राज जी ने गायों बछड़ों को चराया, आज लाखों बालक इस कार्य को करते हैं पर उसको ब्रह्म लीला नहीं कहा जाएगा। अक्षरातीत जो अपनी रूहों के साथ आत्माओं के साथ करते हैं उसको ब्रह्म लीला कहा जाता है। तो सुंदर साथ जी जब भी श्री रास ग्रंथ पढ़ें तो शरीर और जीव भाव से ऊपर होकर ही पढ़ें और उनका मंथन करें तो अति आनंद हृदय में आएगा। जल क्रीड़ा में अत्यधिक आनंद सभी सुंदर साथ ने लिया। सुंदरबाई इंद्रावती जी रत्नावती लालबाई जी यमुना जी के जल से सर्वप्रथम बाहर निकली। तत्पश्चात सब ने अपने अंगों का श्रृंगार भी किया। इन चारों सखियों ने श्यामा जी को वस्त्राभूषण पहनाए। प्रियतम ने आकर प्रेम भरी चाहत के साथ उनके बालों की चोटी गूंथी, श्यामा जी के बालों की। सुंदर साथ जी ऐसा प्रेम है हमारे धनी का, उनके सत अंग के एक
संकेत मात्र से, एक संकल्प मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बनकर प्रलय हो जाते हैं और वो अक्षरातीत श्यामा जी के बालों की चोटी गूंथ रहे हैं। वाह सुंदर साथ जी, स्वलीला अद्वैत किया अति सुंदर उदाहरण। इस प्रकार संपूर्ण श्रृंगार से सुसज्जित होकर सुंदर साथ जी स्वलीला अद्वैत परम धाम का एक एक कण अक्षरातीत का स्वरूप है, इसलिए श्यामा जी और राजी एक ही स्वरूप तो है। संपूर्ण श्रृंगार से सुसज्जित होकर श्यामा जी बहुत अधिक शोभायमान होने लगी। जब वो हाथ में दर्पण लेकर अपना अति सुंदर मुखारबिंद देखती हैं, तो इतनी अनुपम छवि वाली दिखाई देती हैं कि उन्हें देखकर धनी का मन मुग्ध हो जाता है। इसके पश्चात आसबाई, कमलावती, फूलबाई, चंपावती इन चारों सखियों ने मिलकर एक साथ अपना श्रृंगार किया। इन चार सखियों ने मिलकर श्री राजी का श्रृंगार कराया। अति सुंदर वस्त्रों आभूषणों से सुसज्जित होकर प्रियतम की अनुपम शोभा दिखाई दे रही है। सब सखियों ने एक दूसरे का श्रृंगार कराया। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, मैंने इस लीला में सुंदर साथ के अंदर विद्यमान अनंत प्रेम को बहुत अच्छी तरह से देखा। सुंदर साथ जी, स्नान करने से पूर्व सखियों ने पसीने से युक्त जो अपने वस्त्र उतारे थे और जल क्रीड़ा के लिए वस्त्र पहन लिए थे, राजी उन्हीं के ऊपर ही बैठ गए। ये साथ जी धाम धनी का ये अनुपम प्रेम तो देखिए। सुंदर साथ जी, केवल ब्रह्म की चेतन भूमिका में सूर्य की उष्णता नहीं होती, वहां पसीने का अस्तित्व भी नहीं होता, पर केवल भावों का आधार लेकर ये कहा गया है। यमुना जी के किनारे वृक्षों लताओं की मनोहर छाया, वहीं पर आनंद में भरी हुई सखियां एकत्रित हुई। कहाँ एकत्रित हुई सुंदर साथ जी? यमुना जी के किनारे वृक्षों और लताओं की मनोहर छाया में। इसके बाद भोजन करने के लिए सभी सखियां अलग अलग पंक्तियों में बैठ गई। श्री इंद्रावती जी 100 सखियों के साथ विधिवत भोजन परोसने के लिए तैयार हो गई। सुंदर साथ जी, सेवा करने के लिए हर दम तैयार हमें भी रहना है। इंद्रावती जी हर बात में धनी किसी ना किसी चौपाई से ये सिखापन देते हुए भोजन लीला का मनोरम चित्रण श्री रास ग्रंथ में किया गया है। पहलदार और गोल आकृति वाली एक चौकी है। पहलदार हम सब सुंदर साथ को पता है ना, जैसे पेंसिल के पहल होते हैं, उस प्रकार की गोल आकृति वाली चौकी है जो प्रवाल के समान पक्के लाल रंग की है। उसके पायों की किनारी पर के किनार पर कांगरी की इतनी सुंदर शोभा आई है कि उसको सर्वदा देखते ही रहने की इच्छा होती रहती है। चौकी के चारों ओर अति सुंदर चाकला बिछाया हुआ है जिस पर पालथी मार कर प्रियतम बैठे हुए हैं। मेरी आत्मा ने अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत की जिस अनुपम शोभा को देखा है, इंद्रावती जी कहती हैं, उसे मैं यथार्थ रूप में किस प्रकार वर्णित करूं? श्री श्यामा जी श्री राजी के पास तो सदा ही बैठती हैं। इसी प्रकार आसबाई और सुंदरबाई भी उसी भावना से बैठी हैं। आसबाई और सुंदरबाई भी स्वयं को श्यामा जी की तरह ही अक्षरातीत की प्रियतमा मानती हैं। यही भावना सब सखियों में है। एक पात्र में विशेष युक्ति से युगल स्वरूप के हाथ धुलवाए गए। पास में जो सखियां आसबाई और सुंदरबाई थी, उन्होंने भी उसी पात्र में अपने हाथ धोए। वन के वृक्षों की छाया ऊपर से इस प्रकार छाई हुई है, ऐसे लगता है जैसे कोई मंडप बना हुआ हो। भोजन परोसने वाली सखियां प्रियतम को खिलाने मात्र की भावना से ही आनंद से भर गई हैं। भोजन की थाली एक विशेष धातु की
कौन सी धातु सुंदर साथ जी? नूरमई, नूरमई भोजन की थाली जिसको बहुत अच्छी तरह से साफ किया गया है यहाँ के भावों के हिसाब से, लाल नगों से जड़े हुए लोटे में जल रखा है जिससे बहुत ही प्रेम पूर्वक थाली को धोया गया है। फूल अर्थात कांसे के कटोरे और कटोरियां हैं, ये अति मनोहर नगों से जड़ी हुई हैं। इन्हें जल से धोने के पश्चात कपड़े से पोंछ कर थाली में रखा गया है। सुंदर साथ जी, भाव भरी सेवा, बर्तनों में लगे जल को निकाल कर रुमाल से पोंछा गया है। वली नितारी अजवालिया रुमाल संघाते, इसके पश्चात थालियों में अनेक प्रकार की मिठाइयां परोसी जा रही हैं। भागवंती बाई बहुत ही अच्छी तरह से मिठाइयां परोस रही हैं। वो इतनी प्रकार की हैं कि मैं उनका कितना वर्णन करूं। सभी मिठाइयों को वो संभाल संभाल कर परोसती हैं। अनेक प्रकार के बहुत से पकवान परोसे जा रहे हैं जिनमें कई किस्म की तो सब्जियां हैं, कई तरह के कंद मूल हैं, कई प्रकार के अचार हैं, कई शाक सब्जियां तो सूखे हुए हैं, कुछ भुने हुए भी हैं और कुछ तले हुए भी हैं। अनेक प्रकार के मेवे और वन फल हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से पके हुए हैं। श्री राजी के साथ सब सखियों ने बहुत ही प्रेम पूर्वक भोजन किया। भोजन परोसने में सखियों के अंदर मैंने जो अथाह प्रेम देखा, इंद्रावती जी कहती हैं उसका वर्णन किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। जल से भरी हुई कंचन रंग की झारी है, धाम धनी ने भोजन के बीच में उससे जल पिया और श्री इंद्रावती जी के मुख में अपने हाथ से भोजन का एक ग्रास डाला। इस लीला से सबके हृदय में अपार प्रसन्नता हुई और उसका अनुभव सभी सखियों ने किया। सुंदर साथ जी, प्राणेश्वर अक्षरातीत का अपनी अंग रूपा सखियों के साथ हंसना खेलना बहुत मीठा लगता है। जिसे जो भी अच्छा लगा उसने उसे आनंद पूर्वक ग्रहण किया। इसके पश्चात लाडबाई जी सबके लिए दूध दही लेकर आई। सुंदर साथ जी, केवल ब्रह्म की आनंद शक्ति आनंद योग माया के द्वारा पल भर में ही लीला रूप में सब सामग्री उपलब्ध हो जाती है। उसे ग्रहण करने के पश्चात, भोजन ग्रहण करने के पश्चात सबको चुल्लू कराया गया। सब तकियों का सहारा लेकर बैठ गए, उनके आगे से चौकियां थालियां उठा ली गई। सभी ने रुमाल लेकर अपना मुख पोंछा। पान के पत्तों में कत्था चूना लगाकर उसके साथ जावंत्री केसर कपूर और लौंग आदि मिलाकर बीड़े तैयार किए गए। सुंदर साथ जी, जिस जिस शोभा का यहाँ वर्णन कर दिया गया है, फिर परम धाम की शोभा में बीड़े में क्या क्या डाला हुआ है वो यहाँ बता दिया हुआ है। तो रास ग्रंथ भी हमने बहुत प्यार से पढ़ना है। श्री राज जी ने सर्वप्रथम बीड़ा ग्रहण किया, इसके पश्चात सभी सखियों ने भी लिया। जो सखियां भोजन परोस रही थी, सुंदर साथ जी ध्यान से सुनिएगा, जो सखियां भोजन परोस रही थी उन्हें स्वयं श्री राज जी ने भोजन परोसा। तो सोचिए सेवा का कितना महत्व है। स्वयं श्री राज जी ने उन सखियों को भोजन परोसा, अति सुंदर। परोसने वाली सभी सखियों ने बहुत ही आनंद पूर्वक भोजन किया और अपने मुख में पानों का बीड़ा लिया। इसके पश्चात जब वो सब सखियां जीम चुकी, इसके पश्चात सभी सखियां श्री राजी के साथ बातचीत करने का आनंद लेने के लिए उनके पास बैठ गईं। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे साथ जी,
धाम धनी के साथ बातें करते करते सखियों को विरहा के उस कष्ट की विशेष याद आई जो प्रियतम ने आनंदमय लीला के मध्य में दिया था। अब हम करेंगे प्रश्न कि आपने वो विरहा हमें क्यों दिया। सुंदर साथ जी बहुत ही प्यारी वार्ता का विवरण दिया है। इंद्रावती जी कहती हैं, वाला वालम जी मारा जीरे प्रीतम अमारा तमे रामत रंगे रमाड़िया पण सांभलो मारी वात अम ऊपर एवड़ी तमे कांकी दी प्राणनाथ। इंद्रावती जी कहती हैं, मेरे प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम प्राणनाथ आपने हमें बहुत ही आनंदमय रामतें खिलाई, किंतु मेरी बात सुनिए, आपने हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया, तमे कांकी दी प्राणनाथ। प्राणेश्वर आप ये बताइए कि हमारा इतना बड़ा क्या अपराध था जो आप हमें वृंदावन में विलखते हुए छोड़कर चले गए। आप जैसे ही हमसे अलग हुए उसी क्षण हम विरहा की प्रचंड अग्नि में जलने लगी। जब आप हमें वन में दिखाई नहीं दिए सुंदर साथ जी, वन में छोड़कर चले गए, तो हम आपके लिए बहुत अधिक रोती बिलखती रही। आपके बिना हमारा जो भी समय बीता तम बिना जे घड़ी गई हमें जान्या जुग अनेक, उसमें हमें ऐसा लगा जैसे अनेक युग बीत गए। सुंदर साथ जी क्या आज हमें ये महसूस होता है कि आपके बिना जो हमारा समय बीत रहा है वो युगों के समान है। हम आसानी से कैसे अपनी श्वास बिताते जा रहे हैं माया के कामों में। आज हमें एक एक क्षण युग के समान प्रतीत होता है कि मैंने अभी तक अपने धाम धनी के दर्शन नहीं किए। विरहा की उस पीड़ा को या तो इंद्रावती जी कहती हैं मेरा जीव विशेष रूप से जानता है या मेरी ये सखियां जानती हैं। विरहा के उस दुख को मैं कैसे कहूं, उससे तो मेरा जीव मेरे मन में अच्छी तरह से जानता है। जब हमारे ऊपर दुख की ऐसी घड़ी थी उस समय आप कहाँ थे मेरे प्राणनाथ। अब मैं आपको एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं होने दूंगी। और सुंदर साथ जी इंद्रावती जी ने ये करके दिखाया है। इतना विरहा उन्होंने जागनी के ब्रह्मांड में भी किया कि एक क्षण के लिए भी धनी उनसे अलग नहीं है। हम ये कब करेंगे, हम धनी जी आप हमें भी वो विरहा दो कि हम भी आपके दर्शन करें, हमें भी एक एक पल युग के समान प्रतीत हो। इंद्रावती जी कहती हैं, आपको तो विरहा के उस कष्ट का अनुभव ही नहीं है प्राणनाथ, किंतु हम जानती हैं कि वो दुख कितना असहनीय था। हम सब सखियां अपने बाहों की प्रेम भरी पालकी बनाती हैं। सुंदर साथ जी पालकी अमे करूं रे वाला तमे बेसो तेहज माही। हम सब सखियां अपने बाहों की प्रेम भरी पालकी बनाती हैं। आप उसमें विराजमान हो जाइए, आपकी पालकी को उठाकर हम सब चला करेंगी, पर किंतु किसी भी स्थिति में एक क्षण के लिए भी आपको छोड़ नहीं सकती। अब हम प्राण वल्लभ क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, हूँ अलगा ना था हूं रे सखियो अपनी आत्मा एक रामत करता जुजवी काई दीसे छे अनेक। हे सखियो मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता क्योंकि हमारी आत्मा एक है। भले ही रास की रामते करते समय हमारे अनेक तन क्यों ना दिखाई पड़ते हो, पर हमारी आत्मा एक है। सखियो वात हूं के ही कहूं, मैं तुमसे कैसे ये बात कहूं, मेरा हृदय बहुत कोमल है। तुम सभी मेरी हृदयेश्वरी हो, तुम मेरी प्राणेश्वरी हो प्रियतमा हो। भला मैं स्वप्न में भी तुम्हें अपने से अलग कैसे कर सकता हूं। यदि मैं तुमसे अलग रहता हूं तो उससे मेरा हृदय किसी भी स्थिति में सहन नहीं कर सकता।
हे सखियो तुम्हारे वियोग में एक पल का समय भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे करोड़ों युग बीत गए हों। सुंदर साथ जी आज धाम धनी इंतजार कर रहे हैं, एक एक पल का समय मेरे पिया को भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि करोड़ों युग बीत गए, ये अभी भी माया में लगी हुई है, कब मुड़ेंगी, कब आवाज देंगी और मैं भागा हुआ जाऊंगा इनके पास, इन्हीं के धाम हृदय में बैठा हूं पर ये मुझे देख नहीं पा रही। सुंदर सा जी ये दर्द अपने अंदर लेकर हमें इस माया में रहना है, करो लेकिन मरो नहीं, माया के सब काम करते जाइए पर दिल धनी को दे दीजिए। सुंदर साथ जी क्या कहते हैं प्राण प्रियतम, सखियो तुम्हें मेरे विरहा का जो कष्ट हुआ है उससे अधिक कष्ट मुझे हुआ है, तुम्हारे मुख को मुरझाया हुआ देखने की भी सहन शक्ति मेरे पास नहीं है, मुख करमाणा नव सहूं तो केम कराऊं बकोर, ऐसी अवस्था में मैं तुम्हें फूट फूट कर कैसे रुला सकता हूं। हे सखियो अब तुम जैसा कहो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, मेरे जीव का अस्तित्व तुमसे बंधा हुआ है, मैं तुमसे आधे क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकता, मेरी इस बात पर विश्वास करके तुम अपने मन को शांत करो। तुम सभी इस प्रकार दुखी क्यों हो रही हो, भला मैं तुम्हें वियोग का ऐसा कष्ट कैसे दे सकता हूं, तुम मेरे प्राणों की प्राणेश्वरी हो, मेरा तुम्हारा प्रेम और संबंध तो अनादिकाल से है। सुंदर साथ जी कितने प्यारे शब्द कह रहे हैं, तुम मेरे प्राणों की स्वामिनी हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कठोर व्यवहार कैसे कर सकता हूं, मैंने तो वृंदावन छोड़ा ही नहीं था, तुम मुझे इस प्रकार दोषी क्यों बना रही हो। सुंदर साथ जी अक्षरातीत तो हास परिहास में भी मिथ्या नहीं बोल सकते, वो कहते हैं तुमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं हुआ था, पल भर के लिए मैंने इस वृंदावन को नहीं छोड़ा, तो इसमें कोई भी मिथ्या बात नहीं है। अंतर ध्यान के समय हम सब सुंदर साथ जानते हैं आवेश स्वरूप श्री राज जी अपने जोश के साथ श्री कृष्ण जी का तन छोड़कर श्यामा जी के धाम हृदय में विराजमान हो गए थे। श्यामा जी पूर्ण जागृत अवस्था में नहीं थी, इसलिए उन्हें अपने धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत की पहचान नहीं हो सकी और वो भी अन्य सखियों की तरह विरहा में तड़पती रही। इसी प्रकार इंद्रावती जी भी 1712 से 1715 विक्रम संवत तक अपने धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप की पहचान नहीं कर पाई, हबशे में विरहा में 6 माह तक तड़पती रही। इधर श्री कृष्ण जी के तन में अक्षरातीत का जोश आवेश ना होने से सखियों को वो तन दिखाई ही नहीं दे रहा था, जबकि वो वहीं पर था। सुंदर साथ जी राज जी कहते हैं मेरे और तुम्हारे बीच में एक वृक्ष आ गया था जिसके कारण तुम मुझे देख नहीं सकी, वो वृक्ष कोई और नहीं बल्कि श्री राज जी का श्यामा जी के धाम हृदय में गुप्त रूप से विराजमान हो जाना ही था। 12,000 सखियों के लिए सामान्य वृक्ष के पीछे छिपे हुए श्री कृष्ण जी को खोजना कोई कठिन नहीं था। क्या कहते हैं धाम धनी, सखियो तुम ही मेरे जीवन की आधार स्वरूपा हो, मैं तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही सारा व्यवहार करता हूं, अभी भी तुम जैसा चाहो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। तुम अपने मन को इस प्रकार दुखी क्यों कर रही हो, तुम सभी मेरी आत्मा की आधार स्वरूपा हो, मेरी चेतना तुम्हारी चेतना से अखंड प्रेम करती है, इसलिए मेरी जीवन स्वरूपा सखियो तुम्हारे मन में जो कुछ भी है अपने मुख से अवश्य कहो, मैं उसी के अनुसार तुमसे बातें करूंगा। सुंदर साथ जी
आज भी यदि हमारे मन में कुछ भी है तो अपने मुख से धनी को अवश्य कहें, उसी के अनुसार वो हमसे बातें करेंगे। माया की बातें करेंगे तो माया की इच्छाएं पूर्ण करेंगे, धनी जी की बातें करेंगे, अखंड की बातें करेंगे तो वो इच्छाएं पूर्ण करेंगे। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हमने उनसे मांगना क्या है, और मंगवाने वाले भी धनी जी हैं। जब हम धनी से धनी को मांगते हैं तो वो हम नहीं होते सुंदर साथ जी, वो स्वयं ही होते हैं। ये सुनकर इंद्रावती जी कहती हैं, हे प्राणेश्वर, मैं तो ये जानती नहीं थी आप हम सब के हृदय में इतने उथले वचनों से ऐसी चोट पहुंचाएंगे। अब जो उथले वचन उन्होंने कहे थे ना सुंदर साथ जी, जैसे ही हम योग माया में आए थे, आते ही तो हमने रास में मगन हो गए। अब सारी बातें इंद्रावती जी, उन्होंने कहा अपने मुख से अवश्य कहो, इंद्रावती जी सारी बातें कर रही है, उथले वचनों से आप ऐसी चोट पहुंचाएंगे हमें तो पता ही नहीं था। अपने अनादि काल के मूल संबंध के प्रेम के कारण मैं आपसे प्रेम करती थी, जो अपना ही तन हो उससे इस प्रकार रूखे वचन नहीं बोलने चाहिए। ऐसा लगता है कि हमारा और आपका अनादि काल से चला आ रहा प्रेम नहीं था, तभी तो आपने रास में उलाहने के रूखे वचनों का प्रयोग किया। सुंदर साथ जी, ये होता है प्रेम का अधिकार। आपको हम सब सखियां अच्छी तरह से जानती हैं, हमारे अतिरिक्त अन्य कोई भी आपको यथार्थ रूप से नहीं जानता। आप तो हमसे पल्ला छुड़ाकर वैसे खड़े हो गए थे जैसे खेल खेल में बच्चे रूठ कर अलग हो जाते हैं। ये सुनकर राजी कहते हैं, हे सखियों मेरी बात सुनो, उथले वचन कहकर मैंने ये जानना चाहा था, तुम्हारी परीक्षा ली थी कि कब कहीं अभी भी तुम्हारे अंदर व्रज की तरह माया का प्रवेश तो नहीं है। अगर वैसा होता तो तुम पूरी रात उमंग में भरकर मेरे साथ रास लीला कैसे कर सकती थी। इसलिए तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेने के लिए मैंने कठोर शब्दों का प्रयोग किया था। मैंने तुम्हारे हृदय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखा था, यानी माया में आसक्ति नहीं रह गई थी। इसी का परिणाम है कि अब मैं तुम्हारे पास हूं। सुंदर साथ जी, माया की आसक्ति जैसे ही हृदय से निकल जाएगी, कम होती जाएगी, होते होते निकल जाएगी, तो राजी इसमें कह रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इसी का परिणाम है कि अब मैं तुम्हारे पास हूं। पुनः सखियां कहती हैं, प्रियतम ये तो ठीक है, किंतु आप हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपने वृंदावन में हमें रोते हुए क्यों छोड़ दिया, उस समय हमें विरहा का जो कष्ट हुआ। अब सखियां कहती हैं सुंदर साथ जी, पहले इंद्रावती जी बात कर रही हैं, हम सबको रिप्रेजेंट कर रही हैं इंद्रावती जी। अब सब सखियां आती हैं कि आपने वृंदावन में हमें क्यों छोड़ दिया, हमें विरहा का जो कष्ट हुआ है ना, वो हम अभी तक भूल नहीं पाए हैं। प्राण वल्लभ, आपने अंतर ध्यान होकर विरहा का जो कष्ट दिया, घनूज साले विरह वालैया, उसकी याद हमें अभी भी सताया करती है। दुख की उन बातों को याद करके अब मैं आपको कितना सुनाऊं। सुंदर साथ जी, कितनी प्रेम भरी बातें हैं ये। प्रत्युत्तर में राजी कहते हैं, प्रिय सखियो, मैं तुमसे किसी भी प्रकार अलग नहीं हो सकता, तुम मुझसे अपने प्रति इतना अंतर क्यों मान रही हो। तुम भला बताओ, भला मैं तुम्हें वन में अकेली छोड़कर कहीं जा सकता हूं। मैं तुम्हारा विरहा किसी भी प्रकार से सहन नहीं कर सकता। जिस विरहा की तुम बातें कर रही हो वो स्थिति मेरी भी तो है, तुम सभी मेरी अंग रूपा हो। मैं तुम्हें किसी भी स्थिति में अपने से अलग नहीं कर सकता और तुमसे अनवरत प्रेम करता ही रहूंगा, करता ही रहूंगा। सखियां,
फिर से आगे कुछ कहती हैं वो हम कल करेंगे सुंदर साथ जी। कितनी प्रेम भरी ये वार्ता सखियों और प्राण धन के बीच में जो चल रही है, उसके बाद इस वार्ता के बाद जब सखियां तृप्त हो जाएंगी, प्राण वल्लभ ने इतना प्रेम दिया, उसके बाद किस प्रकार वो ब्रज और रास को अखंड करेंगे वो हम कल करेंगे। मंडे को सुंदर साथ जी, कल क्लास नहीं होगी, मंडे को सुंदर साथ जी रिवाइज करवाएंगे तो जरूर समय से जुड़िएगा। और ट्यूसडे को यानी मंगलवार प्रश्नोत्तरी होगी और बुधवार को जरूर अखंड होने का अब समझने की लीला शुरू होने वाली है सुंदर साथ जी। ये आनंद लेने की लीलाएं प्रेम वार्ता उसके बाद हमने बहुत अच्छे से समझना है, तो समय पर जरूर जुड़िएगा बुधवार से। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं सोचती थी सहरग से नजीक क्या होता है ये, कल मैं सोच रही थी तो मुझे ऐसा लगता था कि सांस नली के कहीं पास ही धनी बैठे हैं इसलिए उनको बोलते हैं सहरग से नजीक, पर नहीं, इसमें उन्होंने बताया है कि सहरग सांस की नली कितनी पास महसूस होती है हमें, हर क्षण हम सांस लेते हैं, धनी उससे भी पास बैठे हैं। और कल मैंने एक चौपाई पढ़ी उसमें लिखा हुआ था कि जो शरीर का दिल होता है ना हमारा, जहां पर हृदय से पूरा पंप होता है ब्लड, है ना, तो हृदय से हमारा शरीर चलता है एक तरह से, सांस भी उसी से ही आती है। तो शरीर के दिल में जीव का स्थान बताया गया है। मैं सोचती थी जीव यहाँ होता है, कहाँ होता है जीव, कहाँ ध्यान करना चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा ऐसा लिखा हुआ था शरीर के हृदय में जीव का हृदय भी विराजमान होना बताया गया है और वो सहरग से भी नजदीक होता है और उसी में ही आत्मा, जीव के ऊपर ही जो आत्म है ना वो सूक्ष्म रूप से विराजमान है, जीव पर ही तो विराजमान हुई है हमारी आत्म। तो यानी के शरीर का दिल होता है लेफ्ट साइड में, है ना, हमारे उसके अंदर जीव, उसका दिल और उसके ऊपर, जीव के ऊपर कौन बैठी है, आत्मा, तो आत्मा का दिल उसके भी अंदर, तो वहां पर। और स्वामी जी लिखते हैं इसमें, शुरुआत में जिन्होंने चितवन करनी शुरू की है, जो मेरे जैसे सुंदर साथ हैं, वो कहाँ पर ध्यान करें, शरीर के हृदय से आप शुरू कर सकते हैं सुंदर साथ जी। धीरे धीरे अंदर ही अंदर राज्जी कैसे लेकर जाएंगे ये उनका काम है, है ना, तो यहाँ के हृदय से शुरू कीजिए, फिर शरीर भाव से ऊपर उठाएंगे राज्जी, अपने आप उठाते जाएंगे। शरीर भाव से ऊपर उठने का अर्थ क्या है, अब हम जीव की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर वो जीव भाव से मन को नियंत्रित करेंगे, जीव भाव से ऊपर उठाएंगे तो उसके भी अंदर जो आत्मा का दिल बैठा हुआ है ना, फिर वहां तक जाने की वो स्टेज आएगी। तो आज से ही शुरू कीजिए, यदि ना किया हो अपना ध्यान लगाना शुरू कीजिए। धनी तो बोल रहे हैं मैं तो विरहा नहीं सहन कर सकता, तुम्हें तो युग प्रतीत हुआ होगा, मुझे तो करोड़ों युग प्रतीत होते हैं। तो स्वामी जी एक चर्चा में बोला, एक कदम बढ़ाओ, दस नहीं हजार कदम मैं बढ़ाऊंगा, तो वो हमसे भी आतुर बैठे हैं हमसे मिलने के लिए, वो कहते हैं तुम बुलाओ तो सही, एक बार उस प्रेम से बुलाओ तो सही। सुंदर साथ जी मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगी, धनी से करने के लिए कोई बात नहीं है, सपोज मेरे पास कोई बात ही नहीं है कि मैं पिया से बात क्या करूं, आप बैठिए अपनी उलझने जो आपके मन में कुछ भी चल रहा हो ना धनी से शेयर करना शुरू कीजिए। मैंने ये प्रयोग किया था थोड़े समय पहले, जो भी मेरे मन में इस माया का कुछ भी मुझे लगा मेरे धनी है, मैंने पूरी बात उनसे करनी है, कब वो बातें चेंज होकर, धनी करते हैं वो, राजी करते हैं, वो पूरी बातें बदल कर कैसे उन्होंने अपनी बातों में बदल दी, माया से कैसे ध्यान हटाना शुरू कर दिया, अब माया की कोई बात ही नहीं आती। चितवन में बैठना शुरू करो लगता है पिया से इतनी सारी बातें करनी है, ये माया इंपॉर्टेंट है जो मैं उनसे बोलूं कि मुझे ये उलझन है कोई, अब वो उलझन होती नहीं है क्योंकि हमें पता है
मुझे नहीं, हमें पता है कि वो हर पल हर घड़ी मुझसे भी ज्यादा मेरे साथ हैं। तो इसलिए कभी नहीं घबराना, मेरे धनी हर पल मुझे देख रहे हैं। माया के दुख तो ऐसे उड़ा देते हैं, आप मुड़ के तो देखिए धनी की तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।